फ्राम दैट पर्टूलर साइड जहाँ पर हमारे सब्सटिट्यूंट्स का जो पोजिशन है वो कम नंबर पर आए पर पहले उससे वील बी सिलेक्टिंग द पेरेंट चें तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि दिस इज़ सी टू एच फाइव लेट मी ओपन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर यू पीपल सो यहाँ देखिए दिस इज सी एच थ्री देन दिस इज़ ओवर है सी एच यहाँ आ गया सी एच टू और यहाँ आया सी एच थ्री यहाँ पर हमारे पास में सी एच टू है और ये है ब्रोमीन बेसिकली तो लंबी पेरेंट चेन को मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ नंबरिंग वन टू थ्री एंड फोर ये तो गलत हो गया ये नंबरिंग तो राखी मैम चलेगी नहीं दिस इज़ रॉन्ग नंबरिंग दूसरा देखते हैं अब आप यहाँ से देखिए सी एच थ्री देन दिस इज़ सी एच देन यहाँ पर देखो सी एच टू ये आ गया बी आर यहाँ पर ये है सी एच टू और यहाँ है ये सी एच थ्री सो मैं नंबरिंग किस पर्टिकुलर पोजिशन से चालू करूँ फ्रॉम दैट कार्बन आइटम जहाँ से हमारे सब्सटिट्यूंट की पोजिशन कम नंबरिंग पे आए यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर इसको वन नंबर दूँ इसको टू दूँ थ्री एंड फोर तो मेरे पास जो पेरेंट चेन है वो चार कार्बन आइटम की पेरेंट चेन है दैट इज़ एब्सिल्यूटली राइट लेकिन यहाँ पर सेकेंड पोजिशन पर आई एम हैविंग मोथाइल ग्रुप और यहाँ पर थर्ड पोजिशन पर मेरे पास मोथाइल ग्रुप था तो मेरे को तो ये वर्टिकुलर नंबरिंग प्रिफरेबल ज़्यादा होगी इज द थिंग क्लियर टू यू पीपल और नॉट हाँ जी सो वॉट विल बी द नेमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड गिवन दैट कि पेरेंट चेन में चार कार्बन आइटम्स हैं येस और नो हाँ जी राखी मैम सो वॉट विल बी द नेमिंग द आई यू पी एस सी नेमिंग सो आई विल बी राइटिंग ओवर हेयर एज कि एक पे तो ब्रोमो है वन ब्रोमो टू पे क्या है मिथाइल ग्रुप है वन ब्रोमो टू मिथाइल वॉट इट विल बी ब्यूटेन बिकॉज चार कार्बन आइटम का पेरेंट चेन है सो वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन सो उस हिसाब से देखा जाए ऑप्शन नंबर सी वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन हमारा सही जवाब है